Matthew 5, verse 10. हालेलुया, राइट, आमेन, ओके. तो फिर से थोड़ा रिकैप. ब्लेस्ड आर द पर्सिक्यूटेड, आमेन. जो सताव में है वो धन्य है. हालेलुया. लेकिन हम लोग जैसे देख रहे हैं कि सताव जब आता है तो हम किस तरह से उसका रिएक्शन करें, उसको कैसे, किस दृष्टिकोण से देखें और किस तरह उसका सामना कर सके, राइट. पूरा पिछला नहीं जाऊंगा. पिछले हफ्ते हमने देखा दो चीजें, हमने देखा, राइट. वन इज सताव को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा जब मुझे ये पता चलेगा कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, राइट, और मेरे टाइम से पहले है. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी परसिक्यूशन व्हेन आई नो इट इज नॉट फ्रॉम गॉड एंड इट इज बिफोर टाइम. आमेन. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट. उसको क्या करूंगा, मैं रेजिस्ट करूंगा, उसको रेब्यूक करूंगा, राइट. तो दूसरी बात हमने देखी. लेकिन जब मुझे ये पता चलता है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हो रहा है और मेरा काम खत्म हो गया है, तो मैं अपने आप को भी उस सताव में, सताव के हाथों में दे सकता हूं, राइट. ओके, तो तीसरी चीज और एक विषय है. यीशु मसीह ने कहा जब सताव आता है तो क्या करना है. आमेन. जब सताव आता है तो क्या करना है, राइट. सह लूंगा अगर ये मुझे ये पता चलेगा कि ये परमेश्वर के अनुसार है और उसके समय के अनुसार है, राइट. एक और विषय कहा था यीशु मसीह ने, पढ़ेंगे उसको, राइट. मैथ्यू चैप्टर 12, रीड वर्स 14 एंड 15. यीशु मसीह को पता चला कि मेरे खिलाफ प्लॉट कर रहे, राइट. दे वांट टू कैच मी, वो मुझे पकड़ना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं. तो यीशु मसीह जाके उनके सामने डट के नहीं खड़ा हुआ, बोला मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तुम लोग मुझे कुछ नहीं कर सकते. कहते हैं यीशु मसीह ये जानकर वो वहां से चला गया, राइट. जब अंत समय के बारे में यीशु मसीह बोल रहा था तो अपने शिष्यों को बोलता है, जब परसिक्यूशन होता है, इफ यू आर परसिक्यूटेड इन वन सिटी, फ्ली टू अनदर सिटी. हालेलुया. ये नहीं बोला चाकू सब तैयारी करके जाओ उनके साथ लड़ो, नहीं, ही सेड फ्ली, भाग जाओ बोला वहां से. तुम्हें लड़ने के लिए नहीं बुलाया मैं, विरोध करने के लिए नहीं बुलाया. एक तुमको पता चलता है एक एरिया में यह हो रहा है, लीव दैट, गो टू अनदर प्लेस. एक गांव में यह हो रहा है, लीव दैट, गो टू अनदर प्लेस. बोला यीशु मसीह ये क्या बोलते हैं, ये डरपोक वाला चित्र दिख रहा है ना. लेकिन यहां पे जब पढ़ते हैं यीशु मसीह खड़ा हो सकता था, जब उसको पता चला कि मेरे खिलाफ प्लान कर रहे तो खड़ा हो सकता था. मेरे पास कितने एंजल्स है, हाँ, लीजन, लीजन मैं बुलाऊंगा, 6,000 आ जाएंगे एक बैच में, और एक एक एंजल 1,00,000 क्या बोलते हैं 85,000 को मार सकता है, ऐसा कैपेसिटी है, राइट. तो 6,000 इंटू 1,85,000 कितने लोग आ सकते हैं मेरे खिलाफ. हालेलुया, राइट. तो यीशु मसीह ये नहीं, उसको पता चला मुझे मारने वाले, भागे गया. He left that place. जब बच्चा भी था यीशु मसीह, पता चला हेरोद मारने वाला है बच्चे को, सब बच्चों को मारने वाला है. देवदूत आके जोसेफ को नहीं बोला तू डर मत, पता है तेरे घर में कौन पैदा हुआ है, परमेश्वर का बेटा है. हाँ, एंजल्स उसके साथ में रहते हैं, पूरा आर्मी, हेवनली आर्मी तेरे साथ में, तू भाग के मत जा, देखेंगे हेरोद क्या करता है. He said, no, flee. Hallelujah. The third thing, जब persecution आता है ना, हमको पता होना चाहिए कब खड़ा होना है, कब भागना है.
हालेलुया, राइट। मैं क्यों ये बातें बता रहा हूँ, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? मैं ना क्या मास्टर, कितने वीक हो गए, पर्सिक्यूशन खत्म होता है क्या? नहीं, पर्सिक्यूशन के बारे में बोल बोल के हमको पर्सिक्यूट कर रहे राइट। शायद अभी नहीं समझेगा, लेकिन टाइम आएगा जब ये याद आएगा आपको। हालेलुया, राइट। तो ही सेज देयर इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू फ्ली पर्सिक्यूशन, यू डोंट हैव टू स्टैंड देयर बोल्डली लाइक कुछ भी करना है कर, बोलता है निकल जा वहां से, खड़ा मत जा। बोला क्या डरपोक? बोला डरपोक की बात नहीं है, तू डर के नहीं भाग रहा है, राइट। यू आर नॉट रनिंग अवे बीइंग अ कॉवर्ड। हालेलुया, वरना तू क्या बन जाएगा पता है? पीटर जैसा बन जाएगा। जब मुझे पकड़ने आए तो उसने किसी का कान काटा है ना? नहीं, तुझे पीटर जैसा नहीं बनाना है मुझे। इफ यू आर पर्सिक्यूटेड इन सम प्लेस, फ्ली फ्रॉम दैट प्लेस। हालेलुया, अगर यीशु मसीह भाग गया तो तुम क्यों खड़े रहने की कोशिश कर रहे हो? फिर बोलते हम, मैं खड़ा था लेकिन परमेश्वर ने बचाया नहीं। तुझे खड़ा कौन हुआ? यू आर सपोज टू रन, यू आर सपोज टू फ्ली, बिकॉज आई हैव नॉट प्रॉमिस्ड प्रोटेक्शन इन परसिक्यूशन। आमेन। तू खड़ा रहेगा, मैं बचाऊंगा नहीं, सोच मत। तुझे भागने के लिए कहा था। हालेलुया, आमेन।